देखिए, अब तक हम लोग देख चुके हैं ध्वनि यंत्र क्या है, ध्वनि विज्ञान की परिभाषा से आप लोग परिचित हो गए, भाषा और ध्वनि की परिभाषा से भी परिचित हो गए। साथ में प्राप्त होने वाली उच्चारण प्रक्रिया माने ध्वनि यंत्र और उसके कार्य प्रणाली क्या होती है, इसे भी आपको समझा चुके हैं एक आकृति के जरिए। शायद आप उस लेक्चर्स में नहीं थे, लेकिन आकृति आपके आंखों के सामने है। हम दिखाते हैं कि किस प्रकार से जैसे जीवा का कार्य केवल पदार्थ की परख लेना नहीं होता है, तो अति उत्तम कार्य होता है जीवा का कि उसका नुकीलापन। यदि छोटा सा बच्चा बोलते समय तोतला बोलता है तो हम समझ जाते हैं कि उसके जीवा की अपरिपक्वता है, लेकिन बड़ा व्यक्ति भी यदि ऐसा कहता है, बोलता है, तो बचपन के कारण नहीं होता बल्कि जीवा के नुकीलापन कम होने के कारण वह व्यक्ति तोतला बोलता हुआ दिखाई देता है। यह ध्वनि यंत्र है और यह ध्वनि यंत्र की आकृति यदि मैन्युअली लेवल पर आप लोगों की एग्जाम होती, माने आपको कॉलेज में आकर देना होता, तो इस प्रकार के फिगर के साथ आपको उसे बताना आवश्यक होता था। लेकिन ये सारी चीजें अब लुप्त तो हो चुकी हैं क्योंकि COVID-19 के कारण आपकी जो एग्जाम है वह ऑनलाइन होगी और ऑनलाइन में इस प्रकार का सिस्टम वहां पर नहीं होगा। लेकिन आपको ध्यान देना है कि इस प्रकार ये नासिका विवर, ये श्वास नलिका, ये भोजन नलिका, आपको बताते हुए हमने आपको बताया था कि जैसे जितना इंपॉर्टेंट ओष्ठ का होता है तो ओष्ठ ध्वनियां कौन सी है। दिन भर हम लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, प्रयोग करते हैं, चाहे वह अंग्रेजी के शब्द हो, चाहे हिंदी या मराठी के शब्द हो, शब्द आते कहाँ से हैं ये हम लोगों को पता नहीं है। जिस प्रकार से यदि हमारा शरीर खराब हो जाता है, शरीर की यंत्रणा खराब हो जाती है, तो हमारा पूर्ण शरीर चिकित्सक के पास छोड़ देते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम भाषा की बात करते हैं या उसके उच्चारण प्रक्रिया की बात करते हैं, तो पूरा का पूरा सार यहाँ निकलता है कि हम ध्वनि विज्ञान पर छोड़ देते हैं। देखिएगा किस प्रकार से कि ये जो नासिका विवर है, नासिका विवर के माध्यम से निकलने वाली जो हवा है, श्वास नलिका के भीतर जाने वाली और भोजन नलिका, तो ये जो दो नलिका है ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट रखती है जितना ओष्ठ, जितनी जीवा, जितना नासिका विवर है ना। तो दो यदि नलिकाएं होते, श्वास नलिका और भोजन नलिका, तो इनके माध्यम से किस प्रकार से ध्वनियां उत्पन्न होते ये भी हमने देखा। श्वास नलिका के में आने वाली जो समस्या है वो किस प्रकार से हमारे आवाज में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ये हमारा ध्वनि यंत्र जो संदूक की भांति होता है उसे हम क्या कहते हैं, छोटे छोटे प्रश्न होंगे। ओष्ठ ध्वनियां कौन सी कहलाती है, या प फ ब भ जो ध्वनियां, या कौन सी ध्वनियां है, इस प्रकार से आपको देखना अत्यंत आवश्यक होगा कि कौन कौन से ध्वनियों का निर्माण करते समय हमें क्या प्राप्त करना है और कौन से ध्वनियां कौन से अवयव के माध्यम से बताई जाती हैं। जैसे नासिका विवर के माध्यम से कई लोग ऐसे बोलते समय भी नासिका विवर में बोलते हुए दिखाई देते हैं, न न ये इस प्रकार की ध्वनियां। दांतों की जो ध्वनियां वो कौन सी है, थ, आप खुद उच्चारण कीजिए, जैसे प्रैक्टिकल वर्क। ओष्ठ ध्वनियां कौन सी हैं, ऐसे छोटे छोटे सवाल आपको पूछे जाते हैं। तो ये सारा का सारा चित्रण आप लोगों देख चुके हैं कि नासिका वर के माध्यम से नासिका वर का कार्य क्या होता है। आपको ऐसा भी सवाल पूछे जा सकता है कि न ग्य या च यह ध्वनियां कौन सी है, या यह ध्वनियां किस अवयव के माध्यम से उत्पन्न होती है। फिर ये सारे जो 21 आपको बताए गए हैं शारीरिक अवयव जिसके माध्यम से मनुष्य बोलता है, तो यह आपको याद रखना आवश्यक है, इनमें से केवल नासिका विवर। दांत का अभी भी हमने आपको बता दिया कि त वर्ग की जो ध्वनियां है उसे दंत ध्वनियों के रूप में कहा जाता है। जीवा का वैसे नहीं होता, जीवा की आकृति आपको अलग से निकाली गई है। जीवानोक, जीवाग्र, जीवा मध्य, जीवा पच्य, जीवा मूल, इसके माध्यम से भी अलग अलग, जैसे स्वर और व्यंजन की यात्रा हम लोगों ने की, तो स्वर के माध्यम से निकलने वाले जीवाग्र अलग होते हैं और व्यंजनों का यदि आधार हम लोग लेते हैं तो व्यंजनों का आधार अलग होता है जीवाग्र के माध्यम से। जीवा मूल के स्वर अलग है, जीवा मूल के व्यंजन अलग है, इस बात को आप लोगों को देखना होगा।
मतलब एकमात्र ऐसा अवयव है हमारे मुंह में कि जो आसानी से सिकुड़ता है, ऊपर जाता है, नीचे आ सकता है, ऊपर उठता है, गिरता है, मुड़ता है, आगे पीछे मुड़ता है। एकमात्र ऐसा लचीला अवयव होता है जिसका नाम जीवा है। सवाल आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हमारे मुंह के अंदर कौन सा लचीला अवयव होता है, तो यही होता है। कई बच्चे जीवा की अपरिपक्वता के कारण बच्चे तुतलाते हैं, तो आपको याद दिला दूं फिर से एक बार कि हमने आपको एक एग्जांपल बताया था रस्सी वाला, चार पाई उसके पापा बूंद रहे हैं और उस समय में वो बच्चे को बताते कि जा बेटा मम्मी के पास से रस्सी लेके आ, लेकिन वो छोटा सा बच्चा रस्सी न कहते हुए लस्सी बताता है, तो मम्मा उसके पास कोई गिलास नहीं देती है बल्कि उसे रस्सी का वो पूरा बंडल दे देती है। मतलब पता है उसकी मम्मा को कि वह तोतला बोलता है, तुतलाता है। तो ये रीजन होता है कि जो जीवा का ये जो हिस्सा है, जीवा नोक माने हमारी जो जीवा का नुकीलापन होता है, वह यदि इस प्रकार से न होता हो और यहाँ उसकी आकृति अलग होती हो, तो वृत्ताकार यदि होता है तो वृत्ताकार जब जीवानोक होती है तो वह जो बच्चा है या वह जो व्यक्ति वो तोतला बोलता हुआ में दिखाई देता है। तो इस प्रकार से जीवानोक, जीवाग्रह, जीवा मध्य, जीवापच और जीवामूल ओस भी उतने महत्वपूर्ण होते हैं। ओस दो होते हैं, ऊपर का और नीचे का, लेकिन ऊपर का और नीचे का जब एक दूसरे को छूते हैं तो भी हम लोग देखते हैं कि कई प्रकार के ध्वनियों का उच्चारण होता है। जैसे प, प वर्ग को उच्चारण करके देखिएगा, जैसे प्रैक्टिकल वर्ग, बार बार हम आपको कहना चाहते हैं कि जब तक हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक ये सारा लेक्चर्स आपके काम नहीं आएगा। वस, तो दांतों के ऊपर और मूर्धा के ठीक नीचे का जो हिस्सा होता है, मतलब दांत या मूर्धा के बीच का यह हिस्सा, मुंह में अंगूठा डाल दे तो खुरदरा सा प्रतीत होता है, उसे वस कहा जाता है। सवाल आपको यहाँ पर ऐसे भी पूछा जाता है, मुंह में अंगूठा डालने से जो खुरदरा सा प्रतीत होता है उसे कहा जाता है, फिर ये नहीं दिखाया जाएगा वाक्य पर कि दांत होगा या मुर्दा होगा, कुछ नहीं। जो मुंह में अंगूठा डालने से खुरदरा सा प्रतीत होता है उसे कहा जाता है, दांत, मुर्दा, वस या तालु, तो फिर इसका करेक्ट आंसर वस होगा। और आगे भी आपको सवाल पूछा जा सकता है कि वस ध्वनियां कहलाती है, फिर अलग अलग प्रकार की वस ध्वनियां है, न, क, र, छ, इस प्रकार की ध्वनियां, तो यह आपको ध्यान में रखना है। ट वर्ग की ध्वनियां कहलाती है मूर्धन्य ध्वनियां। इस प्रकार के जो छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे, मार्मिक प्रश्न है, यथार्थवादी प्रश्न है, जो आपको हर लेक्चर्स में बताए जाते हैं, ऐसे सवालों का आप लोगों को तैयार करना आना चाहिए। कठोर तालु, अब देखिएगा कि जैसे वस और मूर्धा के ऊपर का जो हिस्सा होता है कोमल तालु के पहले का, वो कठोर तालु कहलाता है, और जीवा के इसे छूने पर, मुंह में उंगली डालते थोड़ा दबाने से ठोस होने का पता चलता है, तो वह कठोर तालु कहलाता है। और कठोर तालु की जो ध्वनियां है वो कौन सी है, तो च वर्ग की ध्वनियां, च, छ, ज। देखिए च का उच्चारण करके देखिए, हमारी जीवा जिसे छू रही है ना, जिसे स्पर्श कर रही है, स्पर्श संघर्ष ध्वनियों को भी आप लोग देख चुके हैं, तो ये कठोर तालु। इस प्रकार की जो उच्चारण प्रक्रिया में साथ देने वाले सारे अवयव होते हैं उन सबको हम भली भांति रूप से बता चुके हैं, समझा चुके हैं आकृति के माध्यम से। मुझे ऐसा लगता है कि एक माह से यह हमारा लेक्चर चल रहा है ध्वनि यंत्र का, और शायद ही आप इस ध्वनि यंत्र और उसके कार्यप्रणाली को समझ रहे होंगे। भले ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत धीमे धीमे हमारा चल रहा है, लेकिन डोंट वरी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस सिलेबस को कंप्लीट करने की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन आप इसे पहले समझिएगा, क्योंकि बार बार आपको सचेत करवा रहे हैं कि इस टॉपिक पर आपके ढेर सारे प्रश्न तैयार हो रहे हैं, और शायद आप में से कई लोग ऐसे होंगे कि आप उन प्रश्नों को देख रहे होंगे, क्योंकि इसका जो मैटर है हम आपको गूगल क्लासरूम पर डाल चुके हैं। ओके, अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो क्लियर हुआ। आप लोगों को किसी को कोई सवाल होता है तो पूछ सकते हैं। प्रियंका, विद्या, दो ही लोग हैं आप लोग। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होता है, कोई समस्या होती है, समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज यू डिस्कस इट। क्लियर हो रहा है बेटा आपको दोनों को? जी मैम। हाँ मैम, समझ में आ रहा है। ओके, आगे बढ़ना है बेटा। हाँ मैम। ओके ठीक है,
तो देखिए जैसे हमने आपको बताया था कि स्वयं राजन्ति स्वरः अन्वम भवति अंजना, अर्थात जिसका उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है वो स्वर कहलाता है, और जिसका उच्चारण स्वर को साथ लेकर होता है, स्वर के सहयोग से होता है, वो व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिएगा अगला हमारा जो पॉइंट है, हमने आपको बताया कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। आपको यहाँ पर भी सवाल पूछा जाएगा कि जिसके उच्चारण में वायु अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है उसे कहा जाता है। दूसरा प्रश्न आपको पूछा जाएगा जिसके उच्चारण में वायु मुख विवर से निर्बाध गति से नहीं निकल पाती, अवरुद्ध गति से संकीर्ण मार्ग से उसे निकलना पड़ता है, उसे क्या कहा जाता है या उसे कहा जाता है। फिर स्वर कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है, ये सारी चीजें आपको समझनी है बारीकी से, और उसे आपको लिखना है प्रश्न बनाकर। स्वयं राजन्ति स्वरः अन्वम भवति अंजना, यह परिभाषा किस विद्वान के द्वारा लिखी है? महर्षि पतंजलि ने उसे लिखा हुआ है, इसे आपको याद कर लेना है। स्वर और व्यंजन, इन दोनों का जो डिस्टेंस होता है, इन दोनों के अंतर को हम आपको समझा चुके हैं कि स्वर का उच्चारण कैसे होता है, व्यंजन का उच्चारण कैसे होता है, स्वर कौन से होते हैं और व्यंजन कौन से होते हैं। देखिए ये चार्ट आ गया। हमने आपको बताया था कि वर्णों का विभाजन ये आप सभी लोगों के पास होना अत्यंत आवश्यक नहीं, अनिवार्य है, क्योंकि देवनागरी लिपि में कितने वर्ण होते हैं, वर्णमाला कैसे, आज भी यदि बताया जाए, पूछा जाए, तो ये वर्णमाला हम लोगों को याद नहीं रहती है। लेकिन इस वर्णमाला को हमारे पास एक सुंदर सी बुक है, मतलब कितने अभी छोटी सी है लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो हमारे दिल्ली का केंद्रीय निर्देशालय है उनके माध्यम से प्राप्त होने वाले उसके रूल्स रेगुलेशन सब कुछ है। जब भी हमारी मुलाकात होगी, पता नहीं अब कब होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी, आई डोंट नो, तो यदि होती है तो हम आपको वो दे देंगे ताकि आपके पास ये सारा मैटर अवेलेबल हो जाएगा। फिलहाल जब तक आपके पास वो नहीं होता है तब तक ये जो आपको दिया गया है वर्णों का विभाजन, उस चार्ट के माध्यम से आप निकालिए और आपके जो स्टडी रूम होगी उसमें आप लगा दीजिए, क्योंकि स्वर कितने होते हैं ऐसा सवाल यदि आपको पूछा जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्वर 11 होते हैं, उसमें अनुस्वार है, विसर्ग है, कुल मिलाकर देवनागरी लिपि में 52 वर्ण पाए जाते हैं। व्यंजनों में कंठ ध्वनि, कंठ के माध्यम से निकलने वाली जो ध्वनियां होती है वो कितनी होती है, तो वो होती कौन सी होती है, आपके सामने चार्ट है, इसका वर्णन हम लोग आपके सामने कर चुके हैं। स्वरों का वर्गीकरण, इसमें भी आपको स्वरों के वर्गीकरण के साथ स्थान के कारण प्राप्त होने वाला और प्रयत्न के आधार पर प्राप्त होने वाला, तो स्थान और प्रयत्न के आधार पर होने वाला जो उसके भेद होते हैं, जो कंठ के माध्यम से, तालव्य के माध्यम से, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, या कंठ और तालव्य के माध्यम से, कंठ और ओष्ठ माने दोनों मिलाकर कंठोष्ठ, तो ये सब कुछ मैटर हमारा हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, उसमें स्वरयंत्री, जीवामूल्य, कोमल तालव्य, मूर्धन्य, तालव्य, वज, दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ, और इस प्रकार से प्रयत्न के आधार पर होते हैं स्पर्श ध्वनि, स्पर्श व्यंजन, और आगे है संघर्ष व्यंजन। अब देखिएगा कि स्पर्श व्यंजन जो है वो किस प्रकार से होता है, कि स्पर्श व्यंजनों के माध्यम से एक वायु जो होती है, हमने इसके पूर्व बता दिया कि जो श्वास नलिका होती है, तो श्वास नलिका में जाने वाली जो वायु है वो कई बार रगड़ खाकर, मतलब उस अंदर नहीं जा सकती, उसे संघर्ष करना पड़ता है। जिस प्रकार से COVID-19 का पेशेंट होता है, वो बोलते समय कई बार उसे प्रॉब्लम आ जाती है, उसकी श्वास में प्रश्वास की जो प्रक्रिया है वो धीमे गति से हो जाते हैं। माने क्या होता है, इसके उच्चारण प्रक्रिया में जो जीवा के द्वारा या नासिका वर्ग के माध्यम से अंदर जाने वाली जो वायु है वो हमारे फेफड़ों तक जाती है, फेफड़ों की सारी गंदगी को वो क्लीन करती है, सफाई करे, उसके बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से फिर से एक बार नासिका वर्ग के द्वारा बाहर फेंक देते हैं। यही कार्य निरंतर रूप से होता है, ऑटोमेटिकली होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, हम लोगों को समझ में नहीं आता। लेकिन जब इस प्रकार यह वायु जब रुक जाती है, स्थान का स्पर्श मात्र करके वायु का उत्सर्जन कर दिया जाता है, तो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन, यही शब्द स्फोट व्यंजन के आधार पर भी माना जाता है, जिस कारण स्पर्श व्यंजन ध्वनियों को स्फोट व्यंजन भी कहा जाता है, और हिंदी वर्गीय व्यंजन को स्पर्श हो जाता है, जिस कारण स्पर्श ध्वनियां अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। संघर्ष,
अब देखिए कि वायु जो है घर्षण के साथ बाहर निकलती है, एक जगह पर वह बिना उच्चार, जब मनुष्य उच्चारण करता है तो वह किसी के स्थान को स्पर्श न करके 5 मिनट ठहर जाती, तो कभी वायु घर्षण के साथ बाहर निकल जाती तो उन्हें संघर्ष कहते हैं। जैसे छ, श और स हो चुका है आपका ये सारा मैटर, फिर भी हम आपको इसलिए समझाना चाहते ताकि पूर्व दीप्ति शैली, पिछले एपिसोडों में हमने क्या देखा था जिस प्रकार से बताया जाता है ठीक वैसे ही पिछले तासिकाओं में हमने क्या क्या देखा था, इस आधार पर हमने ये सारी चीजें आपको समझाई थी। स्पर्श संघर्ष अभी भी बता दिया कि एकमात्र इस जीवा केवल पदार्थ की परख लेने के लिए नहीं होती है, बल्कि जीवा हर किसी अवयव को छूती है, स्पर्श करती है, और जब जब भी वह हमारी जीवा किसी अवयव को छूती है, स्पर्श करती है, और जब जो वर्ग की ध्वनियां खासतौर पर संघर्ष के साथ बाहर निकलती तो उसे स्पर्श संघर्ष ध्वनियों के रूप में कहा जाता है। सवाल आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कि स्पर्श संघर्ष ध्वनियां कहलाती है, फिर च वर्ग की, छ वर्ग की, क वर्ग की, आपको उसमें करेक्ट आंसर चुनना होगा च वर्ग की ध्वनियां। नासिका, ये भी आप लोगों का हो चुका है कि जैसे नासिका विवर के माध्यम से कई समाज में हम लोग रहते हैं, जैसे राजा सेमेंटिक्स का उदाहरण आप लोगों को आज भी याद आ रहा होगा जो हमने इस पिछले सेमेस्टर में आप लोगों को बताया था कि जहां पर मनुष्य है वहीं पर भाषा है, बिना मनुष्य की भाषा का अस्तित्व हो नहीं सकता है। जैसे राजा ने दो बच्चों को उठाया था, एक को उन्होंने जंगल में डाल दिया, दूसरे को उसने समाज में डाल दिया, और जब राजा का वह पूरा प्रैक्टिकल वर्क कंप्लीट हो गया तब जाकर जब छोटे उन दोनों बच्चों को समाज का और जंगल के बच्चों को राज दरबार में पेश किया गया, तब हमने क्या पाया कि राज दरबार के साथ में जो समाज के साथ वो बच्चा रहता था वो हंसता खेलता, उसकी पर्सनालिटी पूरी तरह से डेवलप हुई थी, और घने जंगल में रहने वाला बच्चा मात्र बेकौस शब्द जानता था, वह नितांत बहरा और गूंगा पाया गया। ये भाषा का महत्व होता है, और ठीक उसी प्रकार से अलग अलग व्यंजनों के माध्यम से, अलग अलग भाषाओं के माध्यम से जब मनुष्य सीखता चला जाता है तो नासिका वर के माध्यम से प्राप्त होने वाली जो ध्वनियां हैं समाज में चले जाते, कई मनुष्य बोलते समय नासिका वर में बोलते हम लोग देखते हैं, प्रैक्टिकल वर्क है, आप खुद देखिए कि कौन सा आदमी किस प्रकार से बोलता है, तो ज त्र न न म उच्चारण करके देखते हैं तो नासिका के माध्यम से प्राप्त होने वाली ध्वनियों को हम लोग देख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, हो चुका है ऑलरेडी आपका? हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ बोलिए विद्या, विद्या आप कुछ कहना चाहती हो? आपकी आवाज बंद हो गई थी अचानक प्रियंका, हमारी आवाज क्लियर है? उजाला आवाज, हाँ विद्या आपकी ओर से बेटा प्रॉब्लम होगा इंटरनेट का, हम तो फुल इंटरनेट में है बेटा। जी मैम ऐसा कुछ हुआ होगा शायद। हाँ क्लियर हो गया बेटा सभी को, आगे बढ़ना है, आपकी आज्ञा है? यस मैम। ओके, हाँ अर्धस्वर, इन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा उच्चारण स्थान तक न पहुंचकर कुछ दूर ठहर जाती है और वायु अत्यल्प अवरोध से बाहर निकल जाती है, इसलिए इन्हें अंतस्थ ध्वनियां भी कहा जाता है। य और व यह अंतस्थ ध्वनियां या अर्धस्वर है। अब देखिएगा कि जैसे हमने आपको बता दिया, इसके पूर्व भी बता दिया कि श्वास नलिका और भोजन नलिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, तो जब भी श्वास नलिका में अवरोध उत्पन्न होता है, देखिए ये स्थिति हमारी कब होती है, तो यहाँ पर आकृति के माध्यम से चार आकृतियां जो आपको दिखाई दी है, उन आकृतियों के जरिए आप हमारे उच्चारण प्रक्रिया को भली भांति समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमारी जो स्थिति है श्वास लेने की सामान्य प्रक्रिया जो एक दूसरे से काफी दूर होती है, और अंदर गई हुई हवा जो है वह स्वरतंत्र के बीच में से रगड़ न खाकर बगैर संघर्ष के बाहर निकल जाती है, और पूरी तरह निकट आने की स्थिति, मतलब एक प्रकार से श्वास की जो वायु है ऐसी इन तंत्रियों के साथ रगड़ खाकर संघर्ष उसे करना पड़ता है और उस प्रकार संघर्षित ध्वनियों का निर्माण होता है। देखिए आपको इन आकृति के माध्यम से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से आपको हवा आने जाने के लिए खुला सा मार्ग दिखाई देता है,
यहाँ पर ऐसी कुछ भी स्थिति नहीं है, मतलब यहाँ से उसे संघर्ष करना पड़ता है मनुष्य को। प्रच्छवास की तीसरी स्थिति को यदि हम लोग देखते तो इस स्थिति में ध्वनि को श्वास उच्छ्वास की हवा के साथ घर्षण की स्थिति का सामना करता है, परंतु यह घर्षण दूसरी अवस्था के मुकाबले में अपेक्षाकृत कम होता है। एरो आपको दिखाई दे रहा होगा, इतने एरो में से हमारी हवा अंदर जाती, लेकिन आते समय तो वह अंदर आ सकती, लेकिन जाते समय यहाँ पर उसे बहुत कुछ प्रयास करना पड़ता है। बहुत निकट आने की स्थिति, मतलब देखिएगा कि जैसे चौथी अवस्था में हम लोग पहुंच जाते हैं तो स्वर तंत्रियां एक दूसरे से मिल जाती हैं, परंतु श्वास तथा प्रच्छ्वास की हवा का वेग इतना काफी होता है कि अंदर गई हुई हवा झिल्लियों में से किसी तरह जगह बनाकर बाहर निकल आती। तो यहाँ पर बहुत निकट आने की जो स्थिति है यहाँ दिखाई देती है। स्वर तंत्री, तो स्वर तंत्री के झिल्ली के पास तंत्री होता है और यह तंत्री माने तार। तो इस प्रकार से हम आपको समझा चुके हैं आकृतियों के माध्यम से किस प्रकार स्वर तंत्री होती है, स्वर तंत्रियों के प्रकार किस प्रकार से होते, स्थान प्रयत्न के आधार पर किस प्रकार की मनुष्य की स्थिति होती है। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? जी मैम। ओके, पार्श्विक ध्वनियां। आप देखिए कि जिन व्यंजनों में जीवा वायु मार्ग को पूर्णतः अवरुद्ध करके पास से निकलने का मार्ग देते उसे पार्श्विक ध्वनियां कहते हैं। जैसे हिंदी में ल ल का उच्चारण करके, ये देखिए, ये जब तक हम आपको अंदर गई हुई हवा है हमारे शरीर के वायु मार्ग के द्वारा, मतलब जो श्वास नलिका है उसके मार्ग के द्वारा, लेकिन अवरुद्ध कर लेती है और उसके पास से निकल जाने का मार्ग खुला कर देती है, तो उन्हें पार्श्विक ध्वनियां कहलाती है। प्रकंप, मतलब कंपन होता है, वाइब्रेशंस होते हैं, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्थान के पास पहुंचने पर जीवा में प्रकंपन होता है, जैसे र र का उच्चारण करके देखिए कैसे वाइब्रेशन होता है ना, ये हो चुका है आपका उत्क्षिप्त ध्वनियां। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा उच्चारण स्थान से टकरा जाती है और अपनी स्थिति में ना आकर ऊपर उठ जाती है, उन्हें उत्क्षिप्त ध्वनियां कहते हैं। जैसे ड, देखो उच्चारण करके ड ढ कैसे टकराती है और अपनी स्थिति में ऊपर उठ जाती है। इस प्रकार प्रतिवेष्टित, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा को उलट कर उच्चारण स्थान तक पहुंचना पड़ता है, ट है ना, बीच में से उलट जाते हैं, इसे प्रतिव्यस्तित हो जाते हैं, माने उल्टा हो जाता है, ट आप खुद उच्चारण करके देखिएगा। फिर आगे आता है घोषत्व, अघोष ध्वनिया। आकृति दिखा दिया आपको उस समय में कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां दूर रहती है, गूंज कम होती है और उन्हें अघोष ध्वनिया कहते हैं। जैसे हिंदी के वर्ग में प्रथम और द्वितीय में श, श और स अघोष व्यंजन कहलाते हैं। अघोष के उल्टा है सघोष, माने क्या, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां निकट आकर वायु मार्ग को संकीर्ण बना देते और घर्षण के कारण गूंज उत्पन्न होती है, उन्हें सघोष कहते हैं। मतलब क्या, तो वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा जो स्वर है माने य र ल व ह, यह सघोष ध्वनियों के रूप में अपनाए जाते हैं। प्राणत्व के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण। कैसे अल्प प्राण होता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु अल्प मात्रा में लगती है, माने हम लोगों को बहुत कम मात्रा में वायु को साथ लेना पड़ता है, वह अल्प प्राण। और वर्ग के प्रथम तृतीय और पंचम व्यंजन य र ल व अल्प प्राण होते। सवाल आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है कि अल्प प्राण कहलाते हैं महाप्राण, य र ल व को छोड़कर बाकी जितने होते हैं वो महाप्राण कहलाते हैं, माने द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन। प्रथम तृतीय और पंचम व्यंजन वह य र ल व कहलाते हैं और द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन जो है वो महाप्राण कहलाते हैं। आपको याद दिला दूं कि यहाँ पर एक वाक्य क्लियर हो रहा है, प्रथम तो बीच का द्वितीय, तृतीय और पंचम, माने यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रथम है तो तृतीय है, पहला है तो तीसरा है, तीसरा लिया है तो पंचम मतलब पांचवा लिया है, मतलब प्रथम के बाद में आएगा द्वितीय, तृतीय के बाद आएगा चतुर्थ और चतुर्थ के बाद आएगा तो पंचम। तो यहाँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अभी कि अल्प प्राण कौन से हैं और महाप्राण कौन से हैं।
अनुस्वार और अनुनासिक। ये अनुस्वार व्यंजन कहलाता है, अनुस्वार स्वतंत्र ध्वनि कहलाती है, और अनुनासिक यह स्वन गुण कहलाते हैं। मतलब जो अनुनासिक के रूप में जो पांचवा व्यंजन कहलाता है, जैसे आप यदि उच्चारण करते हो चंचल, चंचल इस शब्द को उच्चारण करके देखिएगा, जैसे अपन नासिकावर के माध्यम से बात करते हैं, है ना। अनुनासिकता पराश्रित होती है और स्वर से कोई पृथक उसका अस्तित्व नहीं होता है। स्वन गुण माने भाषा विज्ञान के अंतर्गत स्वनों के रूप में मूलतः स्वर और व्यंजन इनका अध्ययन किया जाता है और वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। स्वन गुण एक ही प्रकार के शब्दों में केवल उच्चारण भेद से अर्थभेद उत्पन्न कर देते हैं। उच्चारण भेद कैसा होता है ना, ये हम आपको आगे बताएंगे ही कि उच्चारण प्रक्रिया कैसे होते हैं और कैसी होनी चाहिए। स्वन गुण उन्हें कहते हैं जो स्थान और प्रयत्न के अतिरिक्त ध्वनियों के उच्चारण को प्रभावित करते हैं। मतलब देखिएगा कि जैसे स्थान होता है, हमने अभी बता दिया आपको कि जीवा का एक स्थान होता है, कंठ का स्थान होता है, लेकिन प्रयत्न के आधार पर उसे क्या करना पड़ता है, किस प्रकार से वो प्रयत्न होता है और प्रयत्न और स्थान के आधार पर किन ध्वनियों का उच्चारण होता है, तो वे ये स्वयं स्वन नहीं होते हैं किंतु अर्थ भेदक होते हैं। इनकी गणना स्वनियों में की जाती है। स्वन गुण के अलावा इन्हें अभिखंडीय अभिलक्षण भी कहा जाता है। प्रमुख स्वन गुण जो है वह दीर्घता के रूप में प्राप्त होते हैं। जैसे दीर्घता का संबंध केवल मात्रा से है ना, मात्रा ने क्या ह्रस्व और दीर्घ, क्लियर हो रहा है आपको, समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पर बताया गया चीता, चीता का मतलब क्या है, एक प्राणी के रूप में चीता का मतलब लिया है कि जैसे किसी एक व्यक्ति का देहांत होने के बाद जो चीता जलती है, तो ये ह्रस्व और दीर्घ। अली अली, सूना सूना, क्लियर होगा। जैसे दीन और दिन, दिन का मतलब होता है गरीब और दिन का मतलब होता है दिन, प्रतिदिन, और दिन का मतलब होता है गरीब। हरी हरी, हरी का मतलब होता है भगवान और हरी का मतलब होता है, हरी का मतलब होता है हरे रंग का, हरियाली वाला। तो इस प्रकार का जो डिस्टेंस है ये दीर्घता के रूप में अपनाया जाता है। आघात जिसे बलाघात भी कहते हैं, है ना, कई बार मतलब स्वनों का उच्चारण करते समय हम स्वनों पर बराबर बल नहीं पड़ता, किसी पर अधिक बल देते हैं और किसी पर कम। जिन ध्वनियों के उच्चारण में अधिक बल का प्रयोग किया जाता है उन्हें बलाघात शब्द, बलाघात युक्त कहा जाता है। जिन ध्वनियों पर बलाघात होता है वे पार्श्ववर्ती ध्वनियों से अधिक मुखर सुनाई पड़ते हैं। बलाघात की दो प्रक्रिया होती है, जब बल तान या स्वर के माध्यम से होता है तो इसे स्वराघात कहते हैं, और जब श्वास वायु के प्रयोग से होता है तो उसे बलाघात कहते हैं। बलाघात अक्षर शब्द और वाक्य तीनों पर होता है। अतः अक्षर बलाघात, शब्द बलाघात और वाक्य बलाघात, इस प्रकार से भी इसके भेद पाए जाते हैं आघात के, जिसे बलाघात के रूप में प्राप्त किया जाता है। कोई एकाध एग्जाम्पल है आपके पास, कोई एकाध एग्जाम्पल है बलाघात का? सुन रहे हो ना आप लोग? सो गए क्या? कुछ ब्रेकफास्ट कर रहे हो, कुछ खा रहे हो? नहीं मैम, नहीं मैम। यही पर हो, यही कहीं चले गए दूसरी ओर है? यही पर जी, यही पर है। रोको, रोको मत, जाने दो, रोको, अल्पविराम, जाने दो। इस वाक्य का मतलब क्या है कि उस व्यक्ति को मत रोको, उसे जाने दो, है ना, लेकिन रोको मत, जाने दो, क्या है? दो वाक्यों में डिस्टेंस देखिएगा। पहले वाक्य में हमने आपको बताया रोको मत जाने दो, उस व्यक्ति को रोक के रखो, मत जाने दो। दूसरे वाक्य में रोको मत, जाने दो। जब भी हम इस प्रकार से कहते हैं कि उस वाक्य में
जब हम एक शब्द पर बलाघात देते हैं, आघात देते हैं, जोर से तपते हैं, उस पर प्रेशराइज होता है तो वह आघात होता है, बलाघात होता है और उसके बाद में उसका अर्थ बदल जाता है। दो वाक्य आपको बताएं और उन वाक्यों के माध्यम से निकलने वाले अर्थ अर्थभेद यह आपको क्लियर हो गया। यहां तक समझ में आया बेटा? आगे बढ़ना है? जी मैम। हाँ जी मैम। सुर, स्वनों का उच्चारण करते समय जब घोष ध्वनियों का उच्चारण होता है तो स्वर तंत्रों में कंपन होता है। सुर का संबंध स्वनों की कंपन वृत्ति से है। कंपन माने क्या? तो वाइब्रेशन, कंपन होता है ना बोलते समय, और यह गति अभ्यासिक घटाई और बढ़ाई जाती है। कुछ भाषाओं में सुर का महत्व अर्थ भेदकता की दृष्टि से होता है। चीनी भाषा सुरात्मकता में है और इसी प्रकार वैदिक भाषा भी सूर प्रधान है। वेदों में उदात्त, अनुदात्त और स्वरित सूर के तीन भेद किए गए। स्वन विज्ञान में इन्हें आरोही अवरोही समरेखा द्वारा इंगित किया जाता है। देखिए, आपको इन सभी पर सवाल ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जो मैटर आप लोगों के सिलेबस में दिया है उसे ड्रॉप आउट न करते हुए हम आपको समझाना चाहते हैं। इस पर हम बता रहे हैं कि इस इन सभी पर आपको सवाल कहाँ पूछे जाएंगे, तो यहाँ तक आप लोगों के जो सवाल पूछने की जो परंपरा है अभी तक पूछे गए। स्वन गुण किसे कहते हैं ये भी सवाल आ सकता है, लेकिन खास तौर पर ये जो है अल्प प्राण महाप्राण यहाँ तक आप लोगों को सवालों की बौछार ज्यादा तौर पर हो सकती है। आगे बहुत कम सवाल होंगे क्योंकि इसमें नहीं होगा ज्यादा सवालों का जो सिलसिला है ये यहाँ पर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है संगम। बोलते समय स्वन के पश्चात जब दूसरा स्वन उच्चारित होता है तो कभी थोड़ा विराम आता है, उसे संगम कहते हैं। यदि वो विराम न रखा जाए तो अर्थभेद हो जाता है। जैसे कल आएगा, ये दिखाया जा रहा है आपको, कल आएगा, कल आएगा। देखिए तो एक वाक्य है, शब्द कैसे हैं और कैसे जुड़ जाते हैं, तो संगम कैसे हो जाता है यह हम आपको समझा चुके हैं। स्वन गुण को खंडतर स्वनि भी कहते हैं क्योंकि ये अर्थभेदक होते हैं, उनमें वितरण नहीं आते, अतः उनका विस्तृत विवेचन आगे किया जाएगा। अब आगे इसका विवेचन क्या है, तो स्वन परिवर्तन के कारण कैसे होते हैं, ये बाह्य कारण है और आंतरिक कारण है, तो भौगोलिक कारण है, सामाजिक कारण है। जैसे हम यदि आप लोग कल आप बताओगे तो कल संडे है, लेकिन आपकी यदि इच्छा होती है तो हम इस लेक्चर्स को लेना चाहेंगे ताकि हमारा ये जो सिलेबस है ये इसे हम कंप्लीट करना चाहते हैं। यदि आप लोग चाहते हैं तो हम मैसेज डाल दीजिएगा कि एस मैम या नू मैम स्वर परिवर्तन के कारण यह हमारे जो सिलेबस है उस सिलेबस को हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे, ताकि नेक्स्ट आशिका से हम लोग फिर दूसरे लेक्चर्स को मतलब दूसरे टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है अभी के अभी। अभी 6 मिनट बाकी है हमारे, तो 6 मिनट में हम इसे नहीं समझा पाएंगे। तो कल यदि आपकी इच्छा होती है कि मैम कल आप जो समय बताओगे उस हिसाब से हम एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेंगे, लेकिन उसे कंप्लीट कर पाएंगे। इच्छा है कि आप लोगों की लेना है क्या लेक्चर? आप लोग यदि फ्री होते हैं तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट वीक में ये फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। आप बोलो जैसे बोलोगे। लेना है क्या लेक्चर? एक ही हमारा पॉइंट अभी बाकी है, एक ही टॉपिक, एक ही पॉइंट बाकी है हमारा, स्वन परिवर्तन के कारण। तो इस टॉपिक को हम कल लेना चाहते हैं एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेकर, तो आपकी यदि इच्छा होती है तो आप बताइएगा। इतना समय नहीं होना चाहिए, एस या नो बस फटाक से। 3 लोग हैं तो आप लोगों में से बता दीजिए, किसी की परवाह मत कीजिए कि कोई क्या कहेगा। बस आपका सोचो कि एस मैम आई एम रेडी, तो आप लोग बताइए आप लोगों की क्या इच्छा है, लेना है हाँ या ना? लेना है मैडम। ओके ठीक है। उजाला विद्या, आर यू रेडी? यस मैम। ओके ले सकते हैं आप लेक्चर कल भी। कितने बजे? मैम इसी टाइम पे भी चलेगा? हाँ जी ठीक है।
ठीक है, मुझे ओके हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम 4 बजे फिर इस पॉइंट को कल कंप्लीट कर लेंगे। स्वन परिवर्तन के कारण फिर उसमें बाह्य कारण है और आंतरिक कारण है, तो इन सभी को हम कल की तासिका में देखेंगे। जुड़ना आप लोगों को है, बताना आप लोगों को है, तो आप लोग कल जुड़िएगा। घर रहिए, स्वस्थ रहिए, कल की तासिका में हम लोग मिलते हैं। मंच आप लोगों के लिए खुला है, कोई कुछ कहना चाहता है इस लेक्चर्स के बारे में, किसी को कोई समस्या है, या गूगल क्लासरूम पर आप लोगों को मैटर नहीं मिला है, मिला है तो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ होता है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। मंच खुला है, प्लीज यू डिस्कस इट। मैम हमारी इंटरनल इसी महीने में है। हाँ जी, ये हमारी इंटरनल। हाँ इंटरनल, यस बेटा, यस यस, इंटरनल की सूचना बहुत जल्द ही आ जाएगी। 40 नंबर की इंटरनल आप लोगों की होगी, हो सकता है कि 40-40 नंबर की दो टेस्ट आपकी हो, सॉरी 20-20 नंबर की दो टेस्ट। नहीं मैम, हाँ 20-20 नहीं मैम, ऐसे नहीं होती ना। हाँ जी, 10 मार्क्स की होती है और 20 मार्क्स वाली होती है, और वो हो गए 30, और 5 मार्क्स हमारे अटेंडेंस के और 5 बिहेवियर के, ऐसा होता है। हाँ ऐसा होता है, यस यस यस, आई नो वेरी वेल, बट टेस्ट तो आप लोगों की ऐसे ही देनी होगी 40 नंबर की। अब पता नहीं कैसे निकालते हैं, 30 नंबर की नहीं होगी, होगा तो 20-20 नंबर का रिकॉर्ड होगा। अब देखते हैं कि आता क्या है, मतलब जैसे सर्कुलर होगा उस सर्कुलर के हिसाब से हम लोगों को लेक्चर्स या उस टेस्ट के बारे में सोचना होगा। लेकिन जो प्रश्नावली हम लोग तैयार कर रहे हैं गूगल फॉर्म के माध्यम से, जो टेस्ट आपसे लेना चाहते हैं और आप लोग दे रहे हो, तो आप लोगों का यदि कहना है कि इसमें हम लोग रेडी है, तो सोम मंगल बुध में जब भी आपको समय मिलता है उस समय के हिसाब से आप लोग उस टेस्ट को दे दीजिएगा, ताकि आपकी भी प्रैक्टिकल वर्क हो जाएगा। इस टॉपिक में 10 भी टेस्ट दी आपने, 10-10 नंबर्स की, तो वो भी कम ही है। इतने सारे प्रश्न इस टॉपिक पर खड़े हो सकते हैं, बस आपकी बारी है कि आप कब बोलोगे कि इसमें हम लोग रेडी है, तो हम तुरंत निकालेंगे और उस हिसाब से आपको टेस्ट दे देंगे। आप बोलिए कि इसमें हम लोग रेडी है, तो हम वैसा करने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर कल की तासिका में। और किसी को कुछ कहना है बेटा? नहीं मैम। ओके ठीक है, फिर मिलते हैं ना।